दोस्तों इंटरनेट के इस जमाने में सभी लोग लगभग सोशल मीडिया से फेमस होना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर फेमस होते हैं, तो कई लोग यहाँ जल्दी फेमस होने के लिए ऐसे घटिया घटिया और वाहियात वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को तो मतलब नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उन्हें देखना पसंद करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 5 नल्ले और वेले लोगों के बारे में बताएंगे जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और लोगों की नजरों में उनकी रेस्पेक्ट बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नंबर 5, सोफिया अंसारी। दोस्तों लगभग आप में से सोफिया अंसारी को तो सभी जानते होंगे। दोस्तों सोफिया उन लोगों में से है जो फेमस होने के लिए अपने अंग का प्रदर्शन करती है। सोफिया ऐसे ऐसे वीडियो बनाती है कि आप पूछो ही मत। अगर वैसा वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो एज रजिस्ट्रेड मिल जाएगा। तो एक बार के लिए अगर आप इन्हें देखना और जानना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों इनके ऐसे वीडियो देखने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद इनके परिवार वाले इनके ऐसे वीडियो बनाने में सपोर्ट करते हैं। सोफिया डे बाय डे अपने वीडियो में चेंज करती रहती है क्योंकि उनको पता है कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, और यही कारण है कि आज इनके इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन की पब्लिक है। नंबर 4, दोस्तों पायल जोन एक ऐसी यूट्यूबर है जो अपने यूट्यूब चैनल पर चंद व्यू पाने के लिए किसी भी यूट्यूबर को मृत्यु घोषित कर देती है, और कभी बताती है कि इस यूट्यूबर ने मुझ पे हमला कर दिया है, और कभी बताती है कि सौरव जोशी ने मुझे अंधा कर दिया है, तो कभी बोलती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश किया है, और कभी बोलती है कि सौरव जोशी ने मेरे दादा को मार दिया। मतलब दोस्तों ये पूरी तरह फेक वीडियो बनाती है, और ज्यादातर ये उन यूट्यूबर को टैग करके वीडियो बनाती है जो ज्यादातर ट्रेंड में रहते हैं, और यही कारण है कि आज इनके यूट्यूब चैनल पर 2 लाख से ज्यादा की पब्लिक बड़ी पड़ी है। लेकिन पायल जोन की इतनी सी भी इज्जत नहीं है, उनके कमेंट बॉक्स गालियों से भरे पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे तो बस पैसे से मतलब है। नंबर 3, नेहा सिंह। दोस्तों ये भी सोफिया अंसारी की तरह ही वीडियो बनाती है। मतलब दोस्तों ये ऐसे नल्ले और वेले लोगों में आते हैं जिन्हें अपने जिस्म और इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इन्हें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। नेहा इस तरह के वीडियो बनाती है, और इस तरह के वीडियो बना बना कर इन्होंने आज इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन फॉलोवर्स कर लिए हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि कितनी कर रही है। मतलब मुझे तो एक बात समझ नहीं आती दोस्तों, इनके घर वाले इस तरह के वीडियो बनाने पर कैसे राजी हो जा रहे हैं। नंबर 2, उर्फी जावेद। दोस्तों सोशल मीडिया पर फैशन क्वीन के नाम से मशहूर उर्फी जावेद को तो आप लोग जानते ही होंगे। खैर जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि उर्फी जावेद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मॉडल और एक्ट्रेस भी हैं। ये ज्यादातर सीरियल में छोटे किरदार के रूप में काम करती है, और अब तक ये 10 से ज्यादा सीरियल कर चुकी हैं। आपको बता दें हम इनको नल्ले लोगों की लिस्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि इनकी फैशन दुनिया की फैशन से बिल्कुल हटकर है। कभी ये बोरी को अपना ड्रेस बना लेती है, और कभी अच्छे अच्छे कपड़ों को काट कर ऐसी डिजाइन बना देती है। दोस्तों उर्फी की ड्रेस दुनिया के सभी लोगों की ड्रेस से बिल्कुल ही अलग होता है। लोग इनके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ढंग के कपड़े पहना करो, लेकिन ये लोगों की बिल्कुल नहीं सुनती और अपनी मनमर्जी के ही कपड़े पहनती है। नंबर 1, दीपक कलाल। दोस्तों दीपक कलाल नल्ले और वेले लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। दीपक कलाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगभग सभी लोगों ने गाली दिया होगा जो इनको जानते होंगे। दीपक कलाल में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये जहाँ भी होता है गाली सुनता ही रहता है, और यही कारण है कि इंडिया के बड़े बड़े रोस्टर ने इसको रोस्ट किया है। कभी ये मर्द बन के वीडियो बनाता है तो कभी औरत बन के वीडियो बनाता है। अब आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? अब दोस्तों आप ही बताइए, दुनिया में इससे बढ़कर भी कोई नल्ला होगा? जब लोग इनकी वीडियो देखते हैं तो कोई हंस हंस के लोटपोट हो जाता है, तो कोई पागल हो जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे नल्ले और वेले लोग। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपके इतने बेहतरीन सपोर्ट के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे ऐसे ही विजिट करते रहिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो आने का इंतजार कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।